देखिए ये सब चोकर रखा हुआ है, दरवाजे भी सब गधे आए हैं तो उनको दे दिया है, आपस में लड़ रहे थे तो एक को स्टील की थाली में उनको दे दिया है। अब दरवाजे आए हैं, थोड़ा चोकर है, भूसा है, यही सब चीज़ें इनके पहले अभी हौदा भरा। आज 16 दिसंबर सन 2010 है, 1 घंटे के बाद अभी हमको पहुंचना है मुंशीगंज। आज बाबा मुरारी दास का जन्मदिन है, उसी उपलक्ष में वहाँ भव्य कलश यात्रा का आयोजन है, रात में कथा है, कल फिर कोई कथा उठा का आयोजन है गायत्री का, और 23 या 24 तारीख में भंडारा है। तो अभी गधे आ गए हैं अचानक, इनको अब वो आपस में लड़ रहे थे तो स्टील की थाली में इनको हमको देना पड़ा, एक थाली रखी हुई थी तो हमने कहा लो भैया तुम इसी में खाओ। ये होता है, ये देवी के वाहन है ना, लेकिन नहीं, बैठे हैं महाराज जी, चल रहा है प्रवचन भाषण, वो बड़ी बड़ी डिग्रियाँ उनके पास, हवाई जहाज उड़ते हैं महात्मा जी, है ना, बड़े बड़े जो है प्रवचन करता, वही कि घोर कलिकाल है, सच जो मैं सच बोल रहा हूँ तो मैं दुश्मन बन रहा हूँ सबका, सच मत बोलो, जी जी जी, अब पूजा खूब करो, मंदिर निर्माण हो रहा है, हैं टाटा बिरला का देखिए, बिरला वाले मंदिर करोड़ों रुपए के बनवा रहे हैं, अरे मानवता का प्रचार प्रसार करो, बिरला टाटा बड़े जितने भी उद्योगपति धनी मनी लोग हैं, जितने बड़े बड़े नेता हैं, बड़े बड़े पैसे वाले हैं, मानवता का प्रचार करो, लोगों में एक भाव पैदा हो। यहाँ है तो अब जीव जंतु कल्याण बोर्ड की ओर से मेंबर सब चुने जा रहे हैं, और ये एक नटोर लाल उसके अंदर होंगे, क्यों, वो पुराने संस्था वाले हैं, कभी गाय का पूंछ नहीं पकड़ा, गौशाला खोल लिया, गाय गौशाला खोल लिया, उसी के आण में बड़े बड़े गेम हो रहे हैं। खैर यहाँ के डॉक्टर साहब एक हैं, DLO भी हैं इस समय, वो तो कन्हौजिया साहब बहुत ही भले आदमी हैं, बहुत सज्जन डॉक्टर हैं, उन्होंने कहा बाबा जी आप अपना नाम भेज दीजिए, हमने कहा देखिए हम अपना नाम एक ही शर्त में देंगे कि हमको जो पद दिया जाए वो केवल वो हो, क्या नाम, सलाहकार, आमंत्रित सलाहकार, यानी आपके कार्रवाई से हमारा कोई किसी प्रकार का, ये देखिए अब ये देखिए अब ये खा रहा है, इसको ये लात गधी मारने जा रही है, पिछौड़ा खड़ी हो गई, अगर हम चले जाएं तो 2-4 लात हमको भी पड़ जाए। तो ये देवी का वाहन है, हर प्राणी की सेवा करनी चाहिए। अब यहाँ हैं हमारे यहाँ एक शर्मा जी आते हैं, वो साहब गोवंश कुछ ऐसे लोग हैं, अब हम नाम नहीं लेना चाहेंगे, वो गाय कटवाते हैं, वो गाय के सबसे बड़े वो हत्यारे हैं, ठीक, और गौशाला चला रहे हैं। अगर सही सही जानकारी लेनी हो तो जीव जंतु कल्याण बोर्ड की ओर से, हालांकि उसमें देखिए अब हम क्या बताएं, कैसे लोग हैं, क्या हैं, भगवान जाने, लेकिन अगर इतनी बड़ी संस्था है, सरकार की संस्था है, तो कुछ ऐसा तंत्र होना चाहिए कि गुप्त रूप से वो हर डिस्ट्रिक्ट में पता लगावे कि सही मानों में कौन पशु सेवी है, कौन है पशु प्रेमी, किसको पशुओं से प्रेम है, कौन पशुओं की सेवा करता है, उसमें भी कैटेगरी होती है, कोई थोड़ा करता है ज़रा दिखावे के लिए करता है, कोई कम करता है, कोई स्वभावगत करता है, जैसे मेरा है तो हमारा बचपन से यही चल रहा है, तो हमने जो इनको DLO साहब को लिख के दे दिया है कि साहब हम बचपन से इस कार्य को कर रहे हैं, जनपद और जनपद के बाहर लाखों लोग हमारे कार्यों से लोग प्रभावित हैं, हमें जान रहे हैं, देख रहे हैं, और फिर भी हमको कोई संस्था से कोई वो न सम्मान चाहिए, न ही हमको कोई पैसा चाहिए, हाँ सलाहकार के रूप में अगर आप रखते हैं तो हम सलाह देंगे, और नहीं तो कभी कभी न कभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अगर अपने आप पर आ जाती है, भगवान को भी नहीं छोड़ती है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे वो कोई भी हो, मीडिया सबको छुआ देती है, वो छोड़ते नहीं अगर अपने आप पर आ जाए, बाकी मीडिया में मजबूरी है, क्यों, अगर वो मक्खनबाजी नहीं करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की मैं बात कर रहा हूँ, प्रिंट मीडिया में तो कोई बातें नहीं, वो तो बेचारे जितना करते हैं वही बहुत है, इसलिए कि जान जोखिम में डाल के बेचारे लिखते हैं, हैं किसी माफिया के खिलाफ उनको लिखना है तो बहुत सोच समझ के 2-4 लाइन लिखते हैं बेचारे, हमारे भाई के साइकिल से जा रहे हैं, मोटरसाइकिल से जा रहे हैं, उनको जान प्यारी है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले बड़े साहसी होते हैं, लेकिन उनमें भी हम ये देख रहे हैं सभी एक जैसे
नहीं होते हैं, अलग अलग चैनल हैं, उनमें एक जैसे नहीं हैं, बाकी हैं। बड़े बड़े लोग खुलासे करते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को चाहिए कि गुप्त रूप से वो जासूसी करे कि कौन पशु सेवी हैं और कौन लोग जिले के अंदर उनको पशु सेवी चुना गया है। यही जीव जंतु कल्याण बोर्ड का गठन होने जा रहा है, तो अभी सबके कागजात वहाँ जमा हो रहे हैं, तो उसमें तमाम फर्जी लाल हैं। ओ साहब मैं गौशाला चलाता हूँ। अरे गौशाला चलाते हो कि धंधा करते हो? तो सड़कों के किनारे कितनी गाय पड़ी मिलेंगी आपको? एक दो मिलेंगी। सड़कों के किनारे एक जानवर है, उनको उठवा के लाओ, एडमिट करो, उनकी सेवा करो, तब तो हम जाने कि तुम गौशाला पोशाला हो, बड़े पशु से भी बन रहे हो। अभी इसके पहले देखिए, अभी गीला गीला अब देखेंगे, इसके पहले इन अभी हौदे को भरा है, ये पीने का पानी है, नहाने का पानी ड्रम में भर दिया है, पड़ोस के लोग आते हैं अपना भर के लेके चले जाते हैं, उनको इंडिया मार्का नहीं चलाना पड़ता है। अय्या जानवरों के लिए पानी भरा है, अभी ज़मीन गीली है, बिल्कुल ताज़ा तरीम अभी अभी पानी भरा है। इसके बगल में एक छोटा सा हौदे रख दिया है, उसमें जो यही गधे वधे आते हैं तो उनको खाना पीना इसी में दे देते हैं, क्योंकि अचानक रूटीन की संख्या में आ गए तो आपस में लड़ने लगे, एक दूसरे को भगाने लगे। अब ये देखिए एक गाय चली आ रही बहुत तेज़ी में, यह देखिए बिल्कुल तेज़ी में चली आ रही, यह यह ए रुको 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 रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, इसके अंदर मत जाओ भाई, गेट खुला है। तो यही है हमारा गीतांजलि हर्बल गार्डन, और अब गधे के पीछे से जाएंगे तो ये दो लात झाड़ देगा हमको, इसलिए हम आगे जा रहे हैं। ये हमारा पशु सेवा केंद्र है, ये देखिए स्थापित 1975 गीतांजलि अनाथ पशु सेवा केंद्र, नीचे है पर्यावरण संरक्षण संवर्धन केंद्र, इसके बाद में है संचालक गीता त्रिवेदी अंजलि त्रिवेदी, पहले मैं संचालक था, अब मैं प्रेरक बन गया हूँ, और उनके बच्चे हैं सब सहयोगी धनंजय त्रिवेदी धवन त्रिवेदी, उसके बाद में हैं ये क्या नाम प्रणव कुमारी भाव्या त्रिवेदी भावनी त्रिवेदी, उसके बाद में हैं प्रेरक में है के मिश्र श्याम साधु, जो मैं बोल रहा हूँ कचहरी रोड रायबरेली। अब देखिए उस गाय आई, गाय को उस गधे ने दौड़ा के भगा दिया, क्योंकि तो यहाँ गाय खा रही थी। अब इनको अगर हम समेटेंगे तो ये हो सकता है कि हमको जो लत्ती न मार दें कहीं। ले भैया इसको भगाओ मत, इसको ऐसे बटोर के खाओ, काहे बर्बाद कर रहे हो, लो इसको इकट्ठा कर रहे हैं, ये बटोर दिया। अभी मुंशीगंज जाना है, वहाँ भी थोड़ा बहुत कार्यक्रम तो होगा ही, वहाँ सब बनवाना है। लो भैया लो खाओ, इकट्ठा कर दिया। ये गधी है लेकिन बड़ी बदमाश टाइप की है, उसको नहीं खाने देती, अपने बच्चे को नहीं खाने दे रही है। लो खाओ, लो ये सब गेहूँ के चोकर है 8 रुपये किलो का, ये उनका बच्चा है। थाली है भैया, थाली खाली हो गई, अभी खड़े हो गए सोच रहे हैं कि थाली हमारी खाली हो चुकी है और हमको और दिया जाए, अब थाली हम उठाएंगे, अब थाली रख लें, क्योंकि भैया अभी थोड़े थोड़ा हम दे पाएंगे, ना कोई आमदनी है मेरे पास, ना कोई जरिया है, करोड़ों रुपए गवर्नमेंट पशु सेवा के नाम से फूंक रही है, सब क्या क्या हो रहा है लोग जान रहे हैं, लेकिन किसको क्या पड़ी है, जिसको देखिए वही पशु सेवी बन जाता है। अरे पशु सेवी बने हो तो रिकॉर्ड दिखाओ, जनता में पूछो, जनता में सरकार को पूछना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वालों को जासूसी करना चाहिए कि जिस जनपद में चिने गए हैं लोग उनके बारे में जनता क्या कहती है। भाई जनता कहे तभी तो आप उसको माने, हजारों लाखों जनता हमारे कामों को देख रही, मैं बचपन से यही काम कर रहा हूँ, तो जो जिसके बारे में जनता कहे उसको सरकार के यहाँ जगह दी जाए, रिकमेंड किया जाए, उसे उसी के सलाह से बड़े बड़े काम किए जाएं। लेकिन ऐसा नहीं होगा, उसके अंदर एक समय साहब मैं संस्था वाला हूँ, हमारे पिताजी जो थे वो सेनानी रहे, वो गदा लेके दौड़े रहे, सब तकबाजी सेनानी रहे।
कितना पेंशन लिया, कितनी जमीन जायदाद लिया, कितना फ्रॉड किया, लेकिन खैर तो अब यही है। अब हम अपनी गार्डन को लौट आए हैं, गीतांजलि हर्बल गार्डन का आप सीन देख रहे हैं, और इसे भी बड़ा फल अंदर की तरफ लगा हुआ है। ये देखिए कितने बड़े साइज में फल है, ये देखिए बिल्कुल फुटबॉल के जितना बड़ा है, ये बड़ा सा। उधर से लाइट आ रही है, इधर से बना लेंगे, लाइट ना हो चमक ना हो। देखिए कितना बड़ा फल है। अब ये देखिए, देख रहे हैं फल की आकार। चलिए हम रख रहे हैं, क्यों टाइम हो रहा है। धन्यवाद।